चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। क्या वृषभ राशि वालों का सितंबर में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी सितंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। अब वृषभ राशि के जातकों के बारे में अगर बताऊं तो करियर के लिहाज से वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला रहेगा। बकरी शनि दसवें भाव में नौकरी में कड़ी मेहनत कराएंगे, आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके दसम भाव में शनि है, जिसके कारण आपको थकान महसूस होगी। आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल पाएगी। मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए, धैर्य रखिए और अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते रहिए। महीने के आखिरी दो हफ्तों में 16 सितंबर के बाद आपको महसूस होगा कि आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का फल मिल रहा है और सफलता भी प्राप्त हो रही है। महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु, ये जो आपके पांचवें भाव में हैं और खास करके जो नीच राशि का शुक्र है, इन ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको नौकरी बदलने का मन करेगा। आप जहां वर्तमान में हैं वहां से आपका मन उच्चाटन की स्थिति में होगा, नहीं यार यहां से चले जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा, मन कुछ भी कहे लेकिन आपको सफलता मिलने में समय लगेगा, इसलिए आप जब तक दूसरी नौकरी ना पा जाएं तब तक पहली नौकरी में किसी तरह की हीला हवाली ना करें। 18 सितंबर से शुक्र जब तुला राशि में आपके छठे भाव में आएंगे, जिससे नौकरी में स्थिरता आएगी और काम में आपका मन लगेगा, अब तक आ रही चुनौतियों में भी कमी आएगी। सितंबर का महीना वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति पूरे महीने आपके राशि में रहेंगे, जिससे कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव पर है, आपकी क्रिएटिविटी और समझदारी में वृद्धि होगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे कारोबार में प्रगति होगी, आपके कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी। और एक बात तो पक्का है, चाहे जितना कोशिश करें दुश्मन आपको नुकसान नहीं दे सकते। सातवें भाव में मंगल के होने से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, गुस्से में आकर के और बहुत उत्तेजना में आकर के कुछ ऐसी बात न बोलिए जिससे सामने वाला हर्ट हो और आपको सदा सर्वदा के लिए वो अपना दुश्मन मान ले। कारोबार में काफ़ी तरक्की होगी, कारोबार के साथ नए साझेदार भी जुड़ सकते हैं। देखिए आपको चाहिए कि आप अपने भाग्य को सही बनाए रखने के लिए अगर हो सके तो रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए या ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप पूरे सितंबर के महीने में करिए। गुड़हल के लाल फूलों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए और शुक्र का बीज मंत्र जो है ओम सुम शुक्राय नमः इसका भी जप करिए। शनिवार को शनि चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए। हो सके तो शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की सात परिक्रमा भी करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।